हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ कि हम ग्लॉसी लुक कैसे पा सकते हैं और फाउंडेशन लगाने के बाद कुछ फेस पे पैचेस आ जाते हैं तो हम वो पैचेस कैसे दूर कर सकते हैं और अपने लिए ग्लॉसी मेकअप कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं वही शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्लैम्स का फ्लूइड फाउंडेशन और वाइटामिन सी का सेरम, या आप कोई भी सेरम यूज़ कर सकते हैं, गोल्ड और भी बहुत से सेरम आते हैं, या DIY जो आपका सेरम होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ल्यूमिनेटर या फिर शाइनर, आप कोई भी, आपके पास अगर शाइनर है या शाइनिंग पाउडर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास इस तरह का NYX का, मेरे पास शाइनर है, ल्यूमिनेटर है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हमें नहीं रखनी है, थोड़ी सी रखनी है। और बस एक ब्रश की ज़रूरत है और एक कांच के बाउल की, बस हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है और फिर हम ग्लॉसी लुक पा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है, ग्लॉसी लुक कैसे पाना है। तो सबसे पहले मैं लूँगी शिमर या फिर NYX का जो ल्यूमिनेटर है, मैं वो लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसे कांच के बाउल में थोड़ा सा ऐड करूँगी, इसे ज़्यादा नहीं ऐड करना है, अदरवाइज़ वो ग्लॉसी लुक कुछ ओवर हो जाएगा। इस वजह से जो नेचुरल जो लुक होता है ग्लॉसी फेस पे, जो नेचुरल एक ग्लो आता है, वो वाला मैं लुक बना रही हूँ। तो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए फाउंडेशन, जैसा कि मैंने बताया कि मैं ग्लैम्स का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये मैट है लेकिन जब मैं इसमें शिमर ऐड करूँगी तो ये ग्लॉसी हो जाएगा। और थर्ड इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी सेरम, आप कोई सा भी सेरम यूज़ कर सकते हैं। बस इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और ब्यूटी ब्लेंडर, ब्रश या अपने हैंड के मदद से इसे अप्लाई कर लेना है। लेकिन इसे अच्छे से आपको अपने फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब कराना है, अच्छे से एकदम इवन, ताकि एकदम बिल्कुल इवन हो जाए। जब तक ये इवन नहीं होगा आपके स्किन पे ग्लॉसी लुक नहीं आएगा। तो इसे चलिए हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं और फिर अपने हाथ पे आपको मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो ये मैं थोड़ी सी क्वान्टिटी में बनाई हूँ सिर्फ अपने हाथ पे आप लोगों को दिखाने के लिए, अदरवाइज़ आपको जितने, अगर फेस पे दो लोगों के लिए, तीन लोगों के लिए, जितने लोगों के लिए भी बनाना है उस हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा और घटा सकते हैं। तो मैं अपने फेस पे आप लोगों को अपने हैंड पे दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं अपनी उतनी ही क्वांटिटी में मैंने बनाया है। तो बस अच्छे से बस इसको ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग ही इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स है, तो हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि कहीं भी जो है पैचेस ना पड़े, कहीं भी स्पॉट्स ना पड़े। और आप देखेंगे कि जो भी मेरे हाथ पे कहीं भी थोड़ा डार्क स्पॉट्स वगैरह था तो उसे ये अच्छे से जो है कवर भी कर लिया है और एक ग्लॉसी लुक भी दे देगा। अभी ये इवन नहीं हुआ है तो इसलिए आपको अभी बराबर नहीं दिखेगा, अदरवाइज़ जब इसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी तो जो भी कहीं मेरे हैंड पे दाग हैं, तिल हैं या फिर कहीं भी ब्लैक स्पॉट्स हैं तो उसको ये अच्छे से कवर कर लेगा और एक शाइनिंग और एक ग्लॉसी लुक दे देगा। तो इस तरह आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके जो डार्क सर्कल होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, ये सब कुछ रिमूव कर देता है। और अब मैं फिंगर्स की मदद से भी आपको दिखा रही हूँ कि हम अपने हाथों से भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जितना अपने हाथ से अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं उतना ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर से आई थिंक उतना अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते जितना कि आप अपने हाथों से। और आप दोनों हाथों में फ़र्क देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। और बिल्कुल मैंने बस हल्का सा लेयर लगाया था, जैसा कि आपने देखा है कि मैंने कितनी कम क्वांटिटी बनाई थी, और ये उसी में पूरा बिल्कुल एक अलग सा हाथ का अलग, दोनों ही हाथों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो देख सकते हैं दोनों हाथों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। और दोनों हाथों में ये देखिए, एक ग्लॉसी नज़दीक से दिखाने पे आपको ग्लॉसी लुक दिखाई दे रहा होगा, ये अभी हल्का सा लेयर मैंने लगाया। अगर आप फेस पे अच्छे से जो है ब्लेंड करेंगे और एक दो लेयर और लगाएंगे तो आपका बिल्कुल फेस एकदम शाइनिंग और ग्लोई, वो भी नेचुरल ग्लो की तरह ये ग्लो करेगा। तो
इसी तरह आप अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको इसी तरह बहुत सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, और ब्यूटी से रिलेटेड, DIY से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड बहुत से वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया कीजिए। और टेक केयर, बाय।